पहले सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। बाद में सलाम आपको बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह आपको खैर भी इस्तेमाल करे। मैं ज्यादा अपनी छोड़ी तभी नहीं करूँगा, सिर्फ दो बातें करूँगा कि वो क्या वजह थी कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जवान मुसलमान के लिए, वो कौन सी ऐसी वजह थी कि मक्का के बंधु जो बच्चियों को जिंदा कर गौर करते थे और फिर अल्लाह के महबूब की नबूवत के बाद एक ऐसी ताकत बनी हो कि उन्होंने पर्शिया और रोम को, बड़ी बड़ी ताकतों को पाश पाश कर दिया। अल्लाह के महबूब ने वो कौन सा काम किया था कि असाबे कराम और आज मुहर्रम का महीना है, आले बैत वे वो कौन सी ताकत आई बदलिया बात भी वक्ती तौर पर कामयाब हो जाता फिर उसका उसका मुकदर है। नंबर तीन, तीन वर्ग असद उम्र फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, असद खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिसको जिनको सिर्फ अल्लाह का खिताब मिला, अल्लाह की तलवार, उनको सिर्फ सवारी से हटाया, इंट्रीज नहीं किए, ग्रुप्स नहीं बनाए, एहतजाज नहीं किया, लोगों को मुश्तिल नहीं किया, पीछे से वार नहीं किया, हुक्म की तामील की। तारीख पड़े गए कि मुसलमान का रूज कहां पे चला गया। चौथी चीज, तीसरी टीम वर्क, एक खिलाड़ी टीम में धोखा करे, टीम वर्क की मिसाल इस बाल से लेकर पांव तक है, अगर आपके दांत में दर्द हो, सर में दर्द हो, गुर्दे में दर्द हो, आपका जिस्म डिलीवरी नहीं करेगा। जब टीम एक ना हो, रसवाई मुकद्दर है। और चौथी चीज, हक की आवाज पर हो चाहे कितना बड़ा जालिम क्यों ना हो। ये चार चीजें आज आपको देख जा रहा हूं। हमें किसी से सर्टिफिकेट नहीं लेने, तनकीद जरूर होगी, जिन्होंने आपको वोट दिया वो आप पे तनकीद करेंगे, लेकिन आपकी खड़ी की लीडरशिप पार्टी है। जैसे आज अभी आप कह रहे हैं कि इफ्तिताह को आपने पूछा नहीं, इस आमिर अफरीदी साहब को, अब्दुल रहमान को, सौ से ज्यादा मैंने कहा है कि मैंने होजरी होजरी फिरना है, आप मेरे साथ चले, आपने मुझे बुलाया और मैं आया हूं। इसी तरह अगर मैं गिला करूं, मैं आपके लिए हर जगह तैयार हूं, बुलाने वाले बनो, ना हो तो फिर कल को मैं चला जाऊं, फिर आप इसी तरह तस्वीर उठा के कहना मुझे नहीं बुलाया, मुझे नहीं बुलाया, आप मुझे बुलाओ, मैं ना आया ना हूं, मेरा सर भी कटे तब भी तुम्हारे पास चल के आऊंगा, बुलाओ तो सही। भारतीय वालों में से नहीं हूं। दूसरी चीज, यूथ का हर जवान आ रहा है, क्या मैसेज दे रहे हो? मुझे मुझसे सर्टिफिकेट्स लोगे, एमपीएस से सर्टिफिकेट्स लोगे, मेरे भाई वो जो सर्टिफिकेट लेने वाले बैठे हैं रब पे चल चल चलाल के फसल से वो थक गए, उन्होंने हमें हर डिग्री टॉर्चर दिया, बीवी का, बेटी का, घर का, इज्जत का, बुनियाद का, वो नहीं चुका सके, तुम मुझे चुकाओगे, तुम मुझे चुकाओगे। बड़ों की इज्जत सीखो, जो बड़ों की इज्जत नहीं करते मुआशरा तो छोड़े, अल्लाह के निजाम उनको रद्द करता है। बड़े पालन इज्जत दी है, आज पारा चिनार में अभी सीज फायर हुआ है कुछ घंटे पहले, आपको पता है कि आपके एमिनिस्टर एम पीज पर कितने केसेस हैं? आओ जरा एक जगह खड़े होकर दिखाओ, मान जाऊंगा खान, मैंने सबसे पहले आवाज उठाई थी कोहाट में, मुझे
खान ने बनाया, मैसेजेस भेजे कि शहरयार रात अभी होना रखना। मैंने कहा इमरान भाई किसी का मकसद नहीं आपको बाहर निकालना। मुझे कहा कि शहरयार थोड़ा सबर कर लो, जब मैं आवाज दूंगा तो कुहाट का बाहर रहना, पहले मेरी बीवी बच्चे मैं आ जाऊंगा फिर बात में आपको। बहुत आसान है, अकली की तस्वीर बहुत आसान है, जिन्हें बैठे खड़े होकर अकली की ऐसी की तस्वीर फेर लो, बहुत आसान है। बड़ों की तस्वीर मत करो, जो अकलों की तस्वीर करता है उसकी इज्जत की बुनियाद एक मौत की हो जाती है। मैं मुझे पता था पहले दिन से, मैंने फ्री हैंड लिया। मैं शफकत आवाज साहब आज आपके सामने कह रहा हूं, मैंने यूथ में अपने घर का एक बंदा एक ओदा इनको फ्री हैंड दिया। इस इवेंट का मैंने कहा मैं तुम्हारे लिए बड़ा इवेंट करता हूं, बैरिस्टर गौहर हमारे यूथ अली मोहम्मद खान सुबाई लीडरशिप ये सबको मैं बुलाऊंगा। उन्होंने कहा कि नहीं हम ये इधर कर रहे हैं, इनकी हर बात मानी, मैंने हर बात मानूंगा यूथ की, लेकिन जो बात रिवायात अफगान तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ आप में होगी, खुदा की कसम पहली रुकावट में आऊंगी मैं, आऊंगा। हार जीत मेरे लिए कोई मायने नहीं रखी, अगर मेरे लिए अल्लाह ने इज्जत रखी कामयाबी रखी लोग कुछ भी कहे अल्लाह फिर भी मुझे इज्जत देगा, जानना सिर्फ अल्लाह से है। ये प्रेशर प्रेशर में नहीं आता। आज आपने खुरम जी शान को बुलाया, खुरम जी शान मेरा है, मेरे को हाथ का है, शरीर में उसका नाम है, अल्लाह पाक पाश पाश
हमारा जान माल हर से कुर्बान इमरान खान के पास زندہ باد ILF تحریک انصاف زندہ باد عمران